हेलो, सलाम वालेकुम जी। जी, मेरी जान फरमाई, क्या पूछना चाहते हैं? मुबारक हो। अच्छा, वो आप चीज लिख लें, चार चीजें हैं: सफेद जीरा 100 ग्राम, और अलसी 100 ग्राम, और हाड़ियों 100 ग्राम, और 50 ग्राम उसमें डालने मीठा सोडा, और 250 ग्राम उसमें गुलाब के फूल की पत्तियां। ताजा हो जाए, पुरानी हो जाए, कोई हो जाए, ये सारे। हाँ, इसको दे दे, ये एक दिन की खुराक है। ये 3 4 दिन दे दे ना, तो इंशाल्लाह बेहतरीन सफाई हो जाएगी इसकी। ये इसी बराबर हो जाएगी हर चीज। इसमें सफेद जीरा भी है, डाल दिया है, गुलाब के फूल की पत्तियां भी हैं, दूसरा भी। ये थोड़ा इस वक्त ठंडा भी नहीं देना होता, इस वक्त तासीर थोड़ी गर्म होगी तो मैल वैल अच्छी निकलेगी, सफाई होगी। हाँ, ये 4 या 5 दिन तक दे, डेली एक। ये डेली एक दिन की है, सुबह खाली पेट बेशक दे दें। हाँ, गर्मी बिल्कुल नहला सकते हैं, आराम से नहलाएं, और कोई मुंह देख लें, मुंह में अंदर पानी ना जाए, उसके नाक के नथने वथने वो साफ किए हुए हैं ना, साफ करके रखें। और गर्मी बहुत ज्यादा है, धूप में उसको थोड़ी देर धूप में रखें, बीमार ना हो जाए। नहीं, अगर नहलाना ही है ना हो तो तौलिया तौलिया लें, तौलियों को भिगो के उससे साफ करें, और उसके अंदर डिटोल डाल लें पानी में, और उसको साफ करें अच्छी तरह। ठीक है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। इस प्रोग्राम का इख्तिताम इस हदीस मुबारक पर कर रहा हूं। हजरत अली रजील्ला ताला अनहो बयान फरमाते हैं कि नमाज वितर फर्ज नमाज की तरह लाजमी नहीं है, लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे मुकर्रर फरमाया है, यानी ये सुन्नत है। आपने फरमाया, अल्लाह ताला वितर यानी ताक है और वितर को पसंद फरमाता है। ऐ अहले कुरान, तुम वितर पढ़ा करो। अबू दाऊद और तिर्मिजी से मैं कोट कर रहा हूँ, दुआओं में याद रखें। फी माल्लाह। पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश से कॉल्स जुम्मा के सिवा रोज़ाना सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक ली जाएंगी और यूरोप और बैरून ममालिक से कॉल्स शाम 4 बजे से 5 बजे तक ली जाएंगी। इन औकात पर 0333-5121-879 पे डॉक्टर अशरफ साहिबजादा से राबता करें। शुक्रिया।